वेलकम इन द लेक्चर सीरीज ऑन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्ट वन। तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है और हम नई लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ऊपर है और उसका पार्ट वन हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे अबाउट एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में चेंज होती है, क्या फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं और कैसे हम एटॉमिक रेडियाई को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके मेथड्स हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। रेडियाई को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल को, कि पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से हम पीरियड्स एंड ग्रुप्स को अरेंज कर सकते हैं। देन वी विल गो टू द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, दैट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वी विल डिस्कस इन द डिफरेंट लेक्चर सीरीज। तो इस लेक्चर सीरीज में हम केवल एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, दैट इज एटॉमिक रेडियाई। हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है वहां पर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रखा गया है। ओके, सो द एलिमेंट्स दे आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल। तो इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देन देयर प्रॉपर्टीज गेट रिपीटेड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। क्या होता है कि जब हम उनको एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, तो एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन है, लिथियम, एनए, के आर, बी, सी, एस, एफ आर, कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो इनकी मैच करती होगी, बट आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर पीरियड। So the repetition of similar properties of element after a regular interval is called as periodic property। तो पहले आप ये देखेंगे हम periodic property किसे कहते हैं। हम periodic property उसे कहते हैं कि जब हम periodic table में जो elements हैं उनको as per the atomic number, जैसे hydrogen का 1 है, helium का 2 है, then lithium 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on, जब हम उनको ऐसे अरेंज करते हैं, देन उनके जो गुण हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज है, वो सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद सेम हो जाती है। तो इस रिपीटिशन को, यानी रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एट द पीरियोडिसिटी। ये पीरियोडिसिटी कहलाती है, यानी इसको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। पीरियोडिसिटी है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। तो वो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कैसे हम पता लगा सकते हैं, हम को वो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगर हमें पता होगा तो उसके थ्रू हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को। अब हम देखें कि पीरियोडिक टेबल के क्या फीचर्स हैं, तो एक बार हम डिस्कस कर लें। अगर फीचर्स हम देखें तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, देयर आर 18 कॉलम्स। ये जो कॉलम्स हैं, ये देखिए नंबर लिखा हुआ है 1, 2 एंड अप टू 18। सो देयर आर 18 कॉलम्स, और ये कॉलम्स जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। ये कॉलम्स क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स कहलाते हैं। और अगर हम ऐसे रो देखें, देखिए कितनी रोज हैं, 7 रोज। तो इस पीरियोडिक टेबल में 7 रो हैं जिन्हें हम पीरियड कहते हैं, और 18 कॉलम्स हैं ऐसे देखिए टॉप टू बॉटम, इन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। ओके, एक डिविजन यह है पीरियोडिक टेबल का। ओके, देन आप देखेंगे दूसरा डिवीजन क्या है, कि हम इनको ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आप ये दो कॉलम्स देख रहे हैं, ये दो कॉलम्स एस ब्लॉक के अंदर आते हैं। आपने देखा था जिनका इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जाते हैं उन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और ये देखिए बीच में जो एलिमेंट्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, दे गो टू द डी ऑर्बिटल, दे आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड इन बिटवीन दीज डी ब्लॉक एलिमेंट यू विल फाइंड द अनदर सीरीज, अनदर ब्लॉक एलिमेंट्स दैट आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं, एफ सब शेल में। तो एक और क्लासिफिकेशन आपने देखा कि एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो एस, पी,
डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी डिवाइड किया गया है, जहां पर ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और ये तत्व क्या है, ये एस और पी के बीच में है, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो अब आपको पीरियोडिक टेबल का एक आइडिया लग चुका है कि पीरियोडिक टेबल क्या है, कैसे हम उसमें डी ब्लॉक और एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं, और कितने उसमें ग्रुप्स हैं और कितने उसमें पीरियड है। तो जब आपको ये पता रहेगा, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, या आप कह सकते हैं पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ डिफरेंट पीरियोडिक टेबल्स इन पीरियोडिक टेबल, वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने कहा था कि इस लेक्चर में हम जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस को हम डिस्कस करेंगे। क्या है एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उससे न्यूक्लियस की जो दूरी होगी वो एटॉमिक रेडियस कहलाएगी। लेकिन कहना तो आसान है, इसको कैलकुलेट करना बड़ा डिफिकल्ट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट साइज ऑफ एन एटम, क्योंकि एटम कैन नॉट बी आइसोलेटेड। आप जानते हैं कि एटम को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। तो वैसे तो यही डिस्टेंस जो है वो एटॉमिक रेडियस कहलाती है, लेकिन ये बड़ा कठिन काम है कि हम किसी एटम को आइसोलेट करें और उसकी रेडियस मेजर कर लें। तो इसके डिफरेंटली हम और तरीके से जो रेडियस है उसको मेजर कर सकते हैं। द साइज ऑफ एन एटम मे वेरी विद द एनवायरमेंट ऑफ एटम। जो साइज है एटम का वो उसके एनवायरमेंट पर भी डिपेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग वो चेंज भी हो सकता है। ओके, एटॉमिक रेडियस जो होगी को हम डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड टाइप। जो एटॉमिक रेडियस है उसको हम बॉन्ड टाइप के बेसिस पर डिस्कस कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं। तो बॉन्ड टाइप, इफ देयर इज कोवेलेंट बॉन्ड देन द रेडियस इज कोवेलेंट रेडियस। इफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स और टू आयन्स इज आयनिक देन द रेडियस दैट विल बी इवेल्युएटेड इज आयनिक रेडियस। इफ द टू एटम्स दे आर हैविंग द मेटेलिक बॉन्ड देन रेडियस इज नोन एज मेटेलिक रेडियस। एंड इफ द टू एटम्स दे आर बाइंड टूगेदर बाई वान डर वाल फोर्सेज देन द रेडियस इज वान डर वाल रेडियस। सो इन दिस वे वी कैन क्लासीफाई द एटमिक रेडियस इन टू फोर टाइप्स। इस तरीके से हम एटोमिक रेडियस को चार तरीके से बांट सकते हैं जो उनके बॉन्ड के आधार पर। एक है कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वान डर वाल रेडियस, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस द कोवलेंट रेडियस। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोवलेंट रेडियस क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर हमने दो ऐसे एटम्स दिखाए हैं, एक ए एटम है और एक बी एटम है। एक्चुअली जो ए है वो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है ए का ए है और बी एटम का बी न्यूक्लियस है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। सो the covalent radius is the half of the internuclear distance between two covalently bonded atoms in covalent is covalent radius। तो आप देखिए ये जो A से B की दूरी है ये nucleus है A का और ये B का nucleus है। तो A B जो distance है internuclear distance इसका half क्या कहलाएगा, कोवलेंट रेडियस, क्योंकि ये दो एटम एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। और जो ए बी है वो क्या है, डायमीटर है। एक्चुअली न्यूक्ली जो टू न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, डायमीटर ऑफ एन एटम। फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि कोवलेंट रेडियस को एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझाएं। तो एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूं CCl4। ओके, अगर मैं CCl4 एग्जाम्पल लूं तो वहां पर आप देखेंगे कि ये CCl4 में CCl बॉन्ड लेंथ अगर हम देखेंगे, CCl4 हम एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं, लिख मेरा पेन, CCl4 अगर एग्जाम्पल है तो यहां पर अगर हमें CL
की अगर हमें क्या दी हुई हो, अगर हमें इसकी कोवलेंट रेडियस पता हो, तो इसमें अगर सीएल की कोवलेंट रेडियस हो 0.99 एंगस्ट्रॉम, ओके, और अगर हमें पता हो सी सी एल बॉन्ड लेंथ, अगर हमें सी और सी एल के बीच की बॉन्ड लेंथ पता होगी, और वो बॉन्ड लेंथ मान लीजिए 1.36 एंगस्ट्रॉम है, यानी कार्बन के न्यूक्लियस और क्लोरीन के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1.36 और सीएल की जो कोवलेंट रेडियस है वो है 1.99, तो हम कार्बन के लिए कोवलेंट रेडियस निकाल सकते हैं और वो क्या होगी 1.99 माइनस 1.36 माइनस 0.99 एंगस्ट्रॉम, जो कि कितनी आ जाएगी 0.77 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है कि कार्बन की जो कोवलेंट रेडियस है वो कितनी आ जाएगी 0.77 एंगस्ट्रॉम। तो बहुत इजी है, अगर हमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पता हो और हमें एक की कोवलेंट रेडियस पता हो तो हम दूसरे एलिमेंट की कोवलेंट रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर सी और सी एल के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट रेडियस वी कैन डिफाइन दी आयनिक रेडियस टू। जैसे कोवेलेंट रेडियस हमने देखा, ऐसे ही हम आयनिक रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन आयनिक रेडियस में क्या होगा कि दो तरीके के आयन्स क्रिस्टल में होते हैं, एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। सो द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम अप टू विच इट हैज एन इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। वैसे तो हम डेफिनेशन के आधार पर तो ये बता सकते हैं कि एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जहां तक वो इलेक्ट्रॉन को फील कर रहा है, वो जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, आयनिक रेडियस होगी, वो आयनिक रेडियस होगी। लेकिन अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो, क्योंकि हम आयन को सेपरेट एकदम से, तो बहुत छोटा आयन अगर होगा तो हम उसको उसकी मेजर तो नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना होगा, आयनिक रेडियस एक्चुअली हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, जो आयन्स के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है अगर उसका हाफ कर दें तो वो क्या हो जाएगी, आयनिक रेडियाई हो जाएगी। और ये जो आयनिक रेडियाई है वो कैटायन की कम होती है और एनायन की अधिक होती है, ओके। तो वो जो आयनिक रेडियाई है, एक्चुअली इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कोवलेंट रेडियाई। तो ये आयनिक रेडियाई हम कहां पर कैलकुलेट करेंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे आयनिक सॉलिड्स में, कैटायन और एनायन की हम आयनिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। जो रेडियस है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ बॉन्ड्स वो है मेटालिक रेडियस। तो अगर दो ऐसे एटम्स हैं जिनके बीच में मेटालिक बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं सोडियम और सोडियम, मान लीजिए सोडियम और सोडियम दो एलिमेंट्स मेटल्स हैं और इनके बीच में क्या है, इनके बीच में है मेटल मेटल बॉन्ड, तो यहां पर जो इनके न्यूक्लियस के जो बीच की डिस्टेंस होगी उसका हाफ वो क्या होगा, मेटलिक रेडियस। तो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का जो हाफ होगा, लेकिन ये दोनों जो एटम्स हैं दे आर बाइंडेड टुगेदर वाया मेटलिक बॉन्ड, तो ये क्या कहलाएगी, इसका हाफ कहलाएगा मेटलिक रेडियस। तो अधिकतर रेडियस आप देखेंगे जो भी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ अगर हम कर देंगे तो वो रेडियस निकल आएगी, लेकिन नाम अलग अलग होंगे क्योंकि बॉन्ड अलग अलग टाइप के होते हैं। जो रेडियस का टाइप है वो है वान डर वाल रेडियस। वान डर वाल रेडियस का मतलब है कि ये दो जो मॉलिक्यूल हैं, नंबर वन, ये एक दूसरे से अटैच्ड हैं वाया वान डर वाल फोर्सेस। जैसे ये एक सीएल टू मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक सीएल टू मॉलिक्यूल है, ये दूसरा सीएल टू मॉलिक्यूल है, क्योंकि सीएल टू इज अ गैस। तो ये सीएल टू और ये सीएल टू आपस में जो बाइंड होंगे वो वान डर वाल फोर्सेस के थ्रू जुड़े हुए होंगे। तो इनका जो एटम, जो नियरेस्ट एटम्स हैं, देखिए द वान डर वाल्स रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द नॉन बॉन्डेड नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। तो ये जो नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स हैं, जो कि एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं है बट दे आर अटैच्ड वाया वान डर वाल फोर्सेस, इनके बीच की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ वो क्या कहलाएगा, वान डर वाल रेडियाई। और जाहिर सी बात है आप देख रहे हैं कि ये रेडियाई बहुत लंबी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सी एल टू यानी सी एल की
कोवेलेंट रेडियस देखें इन Cl2, अगर Cl2 में Cl की कोवेलेंट रेडियस देखें तो वो होती है 0.99 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो कितना होगा, 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो ये तो है कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन। ओके, और अगर हम इस डिस्टेंस को देखें, ये क्या बताएगी हमें, वैन डर वाल रेडियस। तो अगर इस रेडियस का हम हाफ करें तो वो रेडियस कितनी आती है, 1.820 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्लोरीन की जो कोवेलेंट रेडियस है वो है 0.99 एंगस्ट्रॉम, जबकि इसकी वैन डर वाल रेडियस कितनी है, 1.80 एंगस्ट्रॉम। मतलब जो वैन डर वाल रेडियस है वो हमेशा अधिक होगी कोवेलेंट आयनिक और मेटालिक रेडियस से। ओके, तो ये जो है चार तरीके की आपने रेडियस पढ़ी, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस, जिसमें कि आपने देखा सबसे अधिक जो साइज है वो वैन डर वाल रेडियस की वजह से है मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर जो Cl2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हैं वो वैन डर वाल फोर्सेस से जुड़े हैं। या अगर हम बात करें नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस के केस में भी क्या होगी, वैन डर वाल रेडियाई होगी, क्योंकि वो क्या होती है, मोनो एटॉमिक गैसेस होती है, वहां पर भी क्या होगी, वैन डर वाल रेडियाई होगी। Now we will discuss about the periodic trend of atomic radii. अब हम डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में कि कैसे एटॉमिक रेडियाई का पीरियोडिक ट्रेंड है, कैसे वो पीरियोडिक टेबल में चेंज होती है अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप, कैसे वो चेंज होती है। तो यहां पर देखिए, मैंने आपको केवल एस और पी ब्लॉक एलिमेंट दिखाए हैं, बीच में से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उन्हें हटा दिया गया है। तो केवल हम इनको अगर देखें तो आप ये पाएंगे, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे, देखिए एक जनरल सा ट्रेंड आपको दिख रहा होगा कि लिथियम से जब हम फ्लोरीन तक जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आप देखेंगे साइज डिक्रीज होगा। और ये डिक्रीज क्यों होता है, ये आपको बताया है मैंने कि जो साइज में जो डिक्रीज है ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होता है तो साइज क्या होता है, छोटा होता है। और जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, ओके, तो जब हम डाउन अ ग्रुप जाएंगे तो आप देखेंगे साइज विल इंक्रीज। साइज इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या स्क्रीनिंग इफेक्ट। हम इसके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एटॉमिक रेडियाई को और एंड आयनिक रेडियाई को। ओके, तो जब हम ट्रेंड हम देख रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज होगा, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा। और हम जो बात कर रहे हैं कोवेलेंट रेडियाई की बात कर रहे हैं एक्चुअली। अगर हम इन नोबल गैसेस को देखें तो आप ये देखेंगे कि जो नोबल गैस का साइज होता है वो इन एलिमेंट्स के साइज से बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहां पर कोवेलेंट रेडियाई नहीं होती है। नोबल गैसेस के केस में आपने देखा वैन डर वाल रेडियाई होती है, और वैन डर वाल रेडियाई जो है वो सबसे बड़ी होती है। इसलिए जो नोबल गैसेस हैं उनका साइज आपको इन एलिमेंट्स के साइज से बड़ा दिखाई देगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम का जो जो कोवेलेंट रेडियाई है, जो एटॉमिक रेडियाई है, वो 123 पीकोमीटर होती है। ये जो रेडियाई मैंने दी ये पीकोमीटर में दी। देन बेरिलियम की 89, देन बोरॉन की 80 पीकोमीटर, देन कार्बन की 77 पीकोमीटर एंड देन नाइट्रोजन की 70। जो एटॉमिक साइज के लिए आप देखिए जो रेडियाई है, ऑक्सीजन की 66, देन 64 एंड देन 160, अराउंड 160। तो ये आप देख रहे हैं एकदम से इंक्रीज हुआ है, इसलिए वो इंक्रीज हुआ है क्योंकि ये क्या है, वैन डर वाल रेडियाई। पर जनरल ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक
रेडियाई विल इंक्रीज, एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर हम टॉप टू बॉटम एक ग्रुप में जाएंगे तो आप देखेंगे जो एटॉमिक रेडियाई होगी That will increase. वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो इंक्रीज होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिथियम की जो एटमिक रेडियाई है वो 123 है, सोडियम के लिए ये होती है 157 और पोटेशियम के लिए ये है 203 पिकोमीटर एंड लाइकवाइज। तो टॉप टू बॉटम जाने पर जो एटॉमिक रेडियाई है दैट विल इंक्रीज एंड लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियाई विल डिक्रीज। फैक्टर्स विल बी डिस्कस्ड आफ्टर दिस पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयनिक रेडियाई। अब हम देखेंगे आयनिक रेडियाई का क्या ट्रेंड है। देखिए जो आयनिक रेडियस है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड रो आयन्स डिक्रीजेस। देखिए यहां पर जो आयन है वो C4- देन N3- O2- F- नियॉन देन Na+ Mg2+ Al3+। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए यहां से जब हम इधर राइट साइड में जा रहे हैं आयन्स की ओर को तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जितना अधिक माइनस चार्ज होगा उतना बड़ा साइज होगा, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट इज ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की ओर को अट्रैक्ट होंगे, इसलिए इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो आयनिक रेडियस का ट्रेंड आप देख सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, सब में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 सॉरी सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्योंकि सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तब भी आप देखिए इनका जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट जाने पर। ओके देन अगर हम ग्रुप में ट्रेंड देखेंगे तो देखिए आयनिक रेडियस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि साइज भी इंक्रीज हो रहा है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं जिससे इनका साइज इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज द आयनिक रेडियस ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। Welcome to the factors that affect the atomic radii. अब आ जाइए कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियाई को अफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं। नंबर वन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपने पढ़ा था, दैट इज नोन एज जेड इफेक्टिव। तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन है वो जितना अधिक होगा, जितना अधिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना स्मॉलर साइज होगा, और जितना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना बड़ा साइज होगा। और आपने देखा था कि जो जेड इफेक्टिव होता है दैट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, और सिग्मा आपने कैलकुलेट किया था, और आपने देखा था कि कैसे जैसे जैसे आपने देखा जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सिग्मा का मान एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए 0.35 बढ़ता है, और जो जेड है उसकी वैल्यू 1 बढ़ती है। 6 है अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर तो नाइट्रोजन का क्या होगा, 7 होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 0.65 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 0.65 जो वैल्यू है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वो बढ़ेगी, इसलिए साइज क्या होता है, छोटा होता जाता है व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कौन सा फैक्टर काम करेगा, नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो आप देखिए कि एक ऐसा एटम है जिसमें कि देखिए ये 2 शेल है, और एक ऐसा एटम है जिसमें कि 3 शेल है, तो कौन बड़ा होगा, जिसमें नंबर ऑफ शेल अधिक होंगे। नंबर ऑफ शेल का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज विल इंक्रीज। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, क्योंकि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, और इस रिपल्शन की वजह क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और इस रिपल्शन की वजह से जो अट्रैक्शन है
दैट डिक्रीजेस, अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जैसे अट्रैक्शन डिक्रीज होगा साइज विल इंक्रीज, साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से मेन फैक्टर्स जो है वो तीन मेन फैक्टर्स हैं, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना अधिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना छोटा साइज होगा, जितना कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना बड़ा साइज होगा। स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, जितना अधिक स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना बड़ा साइज होगा, उतनी ज्यादा एटॉमिक रेडियाई होगी, जितना कम स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना छोटा साइज होगा। नंबर ऑफ शेल्स अगर हम देखेंगे तो जितने अधिक शेल्स होंगे उतना बड़ा साइज होगा, जितने कम शेल्स होंगे उतना छोटा साइज होगा। ओके, सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एटॉमिक रेडियाई। अदर फैक्टर्स आर मल्टीपल बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन। दो फैक्टर्स और हैं जैसे मल्टीपल बॉन्ड, तो अगर एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्डिंग होगी तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 77 पिकोमीटर, यहां पर कार्बन की एटॉमिक रेडियाई है, यहां पर कार्बन की एटॉमिक रेडियाई 66 है और यहां पर कार्बन की एटॉमिक रेडियाई 60 पीएम है। तो जैसे जैसे मल्टीपल बॉन्ड बढ़ेगा आप जानते हैं कि दो सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, क्योंकि क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो डिस्टेंस कम होगी, तो क्योंकि जो जो एटॉमिक रेडियाई है दैट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होगी रेडियाई विल आल्सो डिक्रीज। तो ये डिस्टेंस ट्रिपल बॉन्ड से अधिक है तो रेडियाई बढ़ गई, और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से भी अधिक है तो ये रेडियाई और अधिक होगी। नेक्स्ट फैक्टर इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे इफेक्ट करता है, देखिए अगर कार्बन के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब s करेक्टर कम है, और यहां पर आप देख रहे हैं कार्बन के ऊपर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, s का करेक्टरिस्टिक अधिक है, तो जैसे जैसे s का करेक्टरिस्टिक बढ़ता है जो एटॉमिक रेडियाई है दैट विल डिक्रीज। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्यों, आप देख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ तो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर बढ़ गया। मल्टीपल बॉन्ड करेक्टर बढ़ने का मतलब है कि आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड अधिक होगा तो रेडियाई कम होगी, हाइब्रिडाइजेशन में अगर एस करेक्टर अधिक होगा तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई विल डिक्रीज। नाउ कम टू द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द आयनिक रेडियाई। अब हम देखेंगे फैक्टर्स जो कि आयनिक रेडियाई को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हम पहले जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्लेटर्स रूल जो हमने पढ़ा, वहां हमने देखा कि कैटायंस का साइज छोटा होता है जबकि एनायंस का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट एटम्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कैटायंस के केस में आपने कैलकुलेट किया था और आपने देखा था कि इन केस ऑफ कैटायंस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस हायर एस कंपेयर टू द पेरेंट एटम, वाइल इन केस ऑफ एनायंस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज लोअर एस कंपेयर टू द पेरेंट एटम। केटायन के केस में क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो अधिक होता है पेरेंट एटम से, और एनायन के केस में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अधिक होता है कम होता है पेरेंट एटम से। कैटायन में अधिक होगा और एनायन में कम होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो साइज बड़ा होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर अधिक होगा तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। दूसरा जो फैक्टर है वह है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ता है आयन का, वैसे वैसे आयनिक रेडियस विल इंक्रीज। तो अगर हम देखें ZnS को, जिसमें कि कोऑर्डिनेशन नंबर Zn का भी चार है और सल्फर का भी चार है, आयनिक रेडियाई है 0.74 एंगस्ट्रॉम। NaCl को देखें जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वहां पर एटॉमिक आयनिक रेडियाई क्या है, 1.16 एंगस्ट्रॉम। CaCl जहां पर 8 कोऑर्डिनेशन नंबर है, वहां पर जो आयनिक रेडियाई है 1.81 है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है आयनिक रेडियाई विल आल्सो इंक्रीज। तो इस तरीके से दो फैक्टर्स मेन आप देखेंगे, एक आप देखेंगे कैटायंस एंड एनायंस कैसे अफेक्ट कर रहे हैं आयनिक रेडियाई को, कौन अफेक्ट कर रहा है इनडायरेक्टली, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देन कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा क्या होगा, आयनिक रेडियाई विल इंक्रीज। और आपने देखा कैटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा होता है और एनायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा होता है।
वी विल डिस्कस अबाउट दी मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक रेडियाई। अब हम देखेंगे कि आयनिक रेडियाई को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसको मेजर करने के दो मेथड्स हैं, एक है लैंडीज मेथड जो कि 1920 में दिया गया था, और दूसरा मेथड हम जो डिस्कस करेंगे वो है पॉलिंग्स मेथड। ओके, तो लैंडीज मेथड में आप देखिए मैंने दो तरीके के क्रिस्टल स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो केटायन है उसका साइज बहुत छोटा है और एनायंस का साइज बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल LII। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आई माइनस हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एनायंस आर टचिंग ईच अदर बट दे आर नॉट टचिंग द केटायन। वो केटायन को टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि केटायन का साइज बहुत छोटा है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, हम क्या करेंगे, अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाए, जैसे आई और आई माइनस क्योंकि ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो उस हेल्प से हम क्या करें, इसकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लें। तो अगर हम इसकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे जो कि कितनी होती है 426 पीकोमीटर। ओके, 426 पीकोमीटर होती है आई और आई माइनस के बीच की डिस्टेंस जो कि एक्सपेरिमेंटली हम मेजर कर सकते हैं। तो आप देखिए इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या होगा, इसकी आयनिक रेडियस होगी। तो अगर मुझे आई माइनस की रेडियस चाहिए तो मैं इसका हाफ करूं 426 अपॉन 2, तो वो कितना आ जाएगा 213 पीकोमीटर। इसका मतलब है कि आई माइनस जो है उसका एटॉमिक जो आयनिक रेडियाई वो कितनी आ जाएगी 213 पीकोमीटर। ओके, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम एक्सपेरिमेंटली इसमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर कर पाए तो। ओके, लेकिन वी रिक्वायर द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ओके, देन कम टू दिस काइंड ऑफ क्रिस्टल। अब हम एक दूसरे तरीके के क्रिस्टल को देख रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो जो साइज है केटायन का वो बड़ा है इस LI से। तो आप यहां पर देख सकते हैं इतना बड़ा है कि ये I और I माइनस एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, बल्कि कौन टच कर रहा है, I माइनस और K प्लस, मतलब एनायन और केटायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एनायन और एनायन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर इस क्रिस्टल की अगर मैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करूं तो वो क्या होगी, I माइनस और के प्लस के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट होके आएगी। ओके, और आई माइनस का अगर हम पहले से ही जानते हों जो जो उसकी रेडियाई है, देन वी कैन इजीली कैलकुलेट दी आयनिक रेडियाई ऑफ के प्लस। ओके, तो जैसे हमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर के आई की पता चल जाए जो कि 353 पीकोमीटर होती है, और आई की हमें रेडियस पता है वो कितनी है 213, तो हम के प्लस की निकाल सकते हैं, वो क्या आएगी 353 माइनस 213 पीकोमीटर, दैट इज 140 पीकोमीटर। इस तरीके से फिर हम किसी भी कैटायन की जिसके साथ आई एनायन हो उसकी हम क्या मेजर कर सकते हैं, आयनिक रेडियाई। केवल हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यहां पर इस क्रिस्टल के केस में हम सीधे हाफ कर देंगे, एनायन की हमें मिल जाएगी जो रेडियस होगी, और यहां पर हमें एनायन की पता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पता है, देन वी कैन इजिली मेजर दी आयनिक रेडियाई ऑफ दी कैटायन। ओके, इस तरीके से हम इन डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स की आयनिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंटल सेटअप लाइक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। सो दिस इज द लैंडीज मेथड। सेकेंड मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक रेडियाई इज द पॉलिंग्स मेथड। अब हम पॉलिंग मेथड्स देखेंगे जिसकी हेल्प से हम आयनिक रेडियाई कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम इस तरीके के आयनिक क्रिस्टल्स लेंगे जिनमें की केटायन और एनायन क्या होंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फॉर एग्जाम्पल NaF। NaF में Na जो है Na प्लस की फॉर्म में है और FF माइनस की फॉर्म में है, दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन होंगे। KCl में आप देखेंगे K प्लस एंड Cl माइनस, सो 18 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। लाइकवाइज हम इस तरीके के क्रिस्टल लेंगे जहां पर कैटायन और एनायन कैसी स्पीसीज होगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी। एग्जाम्पल के साथ आई विल एक्सप्लेन यू, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वह आइसोइलेक्ट्रिक आयन्स होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आयन्स होने चाहिए, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर हम मेजर कर पाए किसी इक्विपमेंट से वो हमें चाहिए। बस ये दो अगर हमारे पास डाटा होंगे देन वी कैन इजिली कैलकुलेट डिटरमाइन द आयनिक रेडियाई ऑफ द कैटायन्स एंड एनायन्स। यहां पर जो कंसेप्ट लगेगा वो लगेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कंसेप्ट से वी कैन इजिली कैलकुलेट द आयनिक रेडियाई। ओके, तो अब आप जानते हैं कि जो रेडियस होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के। जितना अधिक जेड इफेक्टिव होगा उतना कम एटॉमिक रेडियाई होगी। अब हम बात कर रहे हैं कैटायन और एनायन की। ओके, तो आर मान लीजिए जो रेडियस है वो कैटायन की है, तो जो इसका जेड इफेक्टिव होगा, जेड इफेक्टिव किसका होगा, कैटायन का। तो कैटायन के जेड इफेक्टिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस। इसी तरीके से एनायन की जो रेडियस होगी वो एनायन के जेड इफेक्टिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो हमें एक, एक इसमें रिलेशनशिप मिल सकती है कि आर सी अपॉन आर ए इज इक्वल टू जेड इफेक्टिव ऑफ ए अपॉन जेड इफेक्टिव ऑफ बी। ओके, नाउ वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ एन ए एफ। अब हम एन ए एफ का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, अब एन ए एफ का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो एन ए, एन ए का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, एन ए प्लस है ये। ओके, तो एन ए प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6। ओके, यही कन्फिग्रेशन एफ माइनस का होगा, पर डिफरेंस क्या है कि एन ए प्लस का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 11 और एफ का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो है 9, क्योंकि ये एफ है, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 9 होता है, इसलिए उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा 9 और जो सोडियम है उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा 11। ये डिफरेंस होगा, बाकी अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज सेम, तो उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सेम होगा। अगर हम एफ माइनस का कन्फिग्रेशन देखें तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के केस में जो सिग्मा की वैल्यू है वो इक्वल आएगी, लेकिन उनका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, डिफरेंट है। ओके, देखिए आप जेड इफेक्टिव कैसे निकलेगा, जब मैं जेड, किसका जेड है, ए का जेड, एनायन का जेड, जब उसमें से मैं सिग्मा को माइनस करूंगी। ओके, और जब मैं जेड, ये दिस इज सी। ओके, सो अगर मैं जेड सी में से यानी कैटायन के सी में से सिग्मा को माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, जेड इफेक्टिव। अब ये देखिए यहां पर एनायन का जो जो एटॉमिक नंबर है वो है 9, तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो है 9, इसका जो सिग्मा कैलकुलेट आप करिएगा, कैलकुलेट करके आएगा 4.5। ओके, अब आप देखिए जो F माइनस है, F माइनस की जो जो सॉरी सोडियम है जो कि कैटायन है, उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 11 और इसका जो जो सिग्मा होगा वो दोनों का बराबर होगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जो 4.5 अपॉन 6.5, हमें ये वैल्यू मिलेगी RC अपॉन RA की। ओके, अब हमें एक तो ये रिलेशनशिप पता है, रिलेशनशिप हमें क्या पता है, आर सी अपॉन आर। दूसरा हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे आर सी प्लस आर ए, ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आई 2.13 एंगस्ट्रॉम। अगर ये 1.23 एंगस्ट्रॉम आई तो हमारे पास देखिए आर सी प्लस आर ए है और आर सी अपॉन आर ए है, देन वी कैन इजिली कैलकुलेट द आयनिक रेडियस ऑफ कैटायन एंड एनायन। आएगी जो आर एन ए आती है प्लस वो है 0.95 एंगस्ट्रॉम इससे हल करके, और जो आर एफ माइनस आएगी वो आएगी 1.36 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से आपने देखा ये जो मेथड है यहाँ पर जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करके हम आसानी से दोनों आयंस की रेडियाई निकाल सकते हैं। तो ये दो डिफरेंट मेथड्स थे जहां पर आपने देखा कि ये जो पॉलिंग्स मेथड है यहां पर ये जरूरी है कि दोनों स्पीसीज क्या हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, उस केस में हम कैटायन और एनायन का आयनिक रेडियस डिटरमाइन कर सकते हैं।
कंक्लूड द लेक्चर। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। हमने सबसे पहले आपने देखा कि एक पीरियोडिक टेबल में कैसे हम एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री, और आप देखिए कि इसकी जो है वो किस तरीके से हम ग्रुप्स और पीरियड्स को डिवाइड करते हैं, 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। जो मेन फोकस था इस लेक्चर में वो था एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो बॉन्डिंग टाइप है उस पर डिपेंड करती है, और वो हमने चार तरीके की देखी, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक, मेटलिक एंड वंडरवॉल। चारों ही जो रेडियस हैं वहां पर डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स हैं, तो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ अगर हम ले लें तो वो अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। देखा पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है एक्सेप्ट दी नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में हमेशा वैन डर वाल रेडियाई होती है, एंड व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, ड्यू टू द इंक्रीज इन द स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज होती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होती है। देखा कि जो आयनिक रेडियस है वो कैसे उसका ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में। अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को देखें तो सेकंड एंड थर्ड रो पीरियड आयंस के लिए डिक्रीज होती है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर ये इंक्रीज होती है। यू हैव सीन दैट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द एटॉमिक रेडियाई, दे आर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, नंबर ऑफ शेल्स, ट्रिपल बॉन्ड एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एटॉमिक रेडियाई को अफेक्ट करते हैं। जो फैक्टर्स हैं जो आयनिक रेडियाई को अफेक्ट करते हैं वो है कैटायन एंड आयन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। स्टडी द टू मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक रेडियाई, वन इज लैंडिस मेथड विच इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेज ओनली, जहां पर आपने दो तरीके के क्रिस्टल देखे उनके क्रिस्टल अरेंजमेंट के आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, आयनिक रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। मेथड जो आपने देखा पॉलिंग्स मेथड देखा, जहां पर हम ऐसे क्रिस्टल्स की आयनिक रेडियाई कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें केटायन एंड एनायंस दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, और यहां पर जो हम कंसेप्ट लाएंगे वो लाएंगे जेड इफेक्टिव का। We had completed the concept of atomic radii. कैसे atomic radii periodically after a certain gap interval change हो रही है, या फिर period में क्या है वो similar दिख रही है आपको, कोई एक trend उसका similar दिखाई दे रहा है। Okay? In the next lecture we will discuss about the ionization energy. Okay? So thank you very much.